क्लाउड सिस्टम की प्रोसेस है लिक्विफैक्शन ऑफ हाइड्रोजन और नियॉन। सो दोस्तों ये डायग्राम आपको दिख रही होगी दोस्तों क्लाउड सिस्टम की है कि लिक्विफैक्शन ऑफ नियॉन और हाइड्रोजन गैस को कैसे लिक्विफाई करते हैं। सो ये आप देख ही सकते हैं पूरा फ्लो शीट है। सो ये फ्लो शीट को हम जो दोस्तों पूरा सिस्टमेटिकली पढ़ते हैं। सो चलिए देखते हैं दोस्तों। इन अ क्लाउड सिस्टम द गैस इज फर्स्ट कॉम्प्रेस टू प्रेशर ऑन द ऑर्डर ऑफ 4 मेगा पास्कल 40 एटमोस्फियर और 590 PSI एंड इन पासेस थ्रू अ फर्स्ट हीट एक्सचेंजर। क्या होगा दोस्तों फर्स्ट गैस जो होगा क्या होगा कॉम्प्रेस होगा कॉम्प्रेसर से। ये आपको दिख रहा है दोस्तों ये कॉम्प्रेसर है यहाँ पे Q.R लिखा है। ये कॉम्प्रेसर गैस क्या होगा कॉम्प्रेस होगा कॉम्प्रेसर से 40 मेगा पास्कल 40 एटमोस्फियर या फिर 590 PSI देन पासेस थ्रू फर्स्ट हीट एक्सचेंजर। क्या होगा पास होगा फर्स्ट हीट एक्सचेंजर में क्या होगा फिर उसके बाद बिटवीन 60 एंड 80% ऑफ द गैस इज देन डाइवर्टेड टू द मेन स्ट्रीम। 60 to 80% जो गैस होगा क्या होगा डाइवर्ट होगा मेन स्ट्रीम में। देख ही सकते हैं यहाँ पे डाइवर्ट हो रहा है मेन स्ट्रीम में। सो मेन स्ट्रीम में डाइवर्ट होने के बाद क्या होगा एक्सपांडेड थ्रू द एक्सपांडर एंड रीयूनियन विद द रिटर्न बिलो द सेकंड हीट एक्सचेंजर। सेकंड हीट एक्सचेंजर में जाएगा फिर उसको क्या होगा एक्सपांडर से एक्सपांड होगा। आप देख ही सकते एक्सपांडर में जा रहा है फिर क्या होगा एक्सपांडर सेकंड हीट एक्सचेंजर द स्ट्रीम लिक्विड अनलिक्विफाइड कंटिन्यूस थ्रू द सेकंड हीट एक्सचेंजर। थर्ड हीट एक्सचेंजर इज फुल्ली एक्सपांडेड थ्रू द एक्सपांशन वॉल और लिक्विड रिसीवर। क्या होगा ये पास होगा थर्ड में सेकंड से थर्ड में जो अनकवर्ड होगा दोस्तों ये एक्सपांडर में जाएगा। सेकंड के बीच में जो होगा दोस्तों थर्ड में जाने से पहले दोस्तों जो अनकवर्ड होगा वो क्या होगा एक्सपांडर में जाएंगे। एक्सपांडर से ये रिटर्न होके जाएगा दोस्तों। सो एन एक्सपांशन वॉल इज स्टिल नेसेसरी क्लाउड सिस्टम बिकॉज ऑफ द मच लिक्विड कैन नॉट बी टॉलरेंट इन द एक्सपांडर इन द एक्चुअल सिस्टम। द लिक्विड मच फुल्ली लिक्विड हैज द मच लो कॉम्प्रेसिबिलिटी देन द गैस देयरफॉर द लिक्विड वेयर फॉर्म सिलेंडर एंड एक्सपांशन इंजिन। क्या होगा यहाँ से जाएगा यहाँ से जाने के बाद क्या एक्सपांशन जेटी वॉल दिख रहा होगा दोस्तों जूल थॉम्सन इफेक्ट होगा इसमें। फिर ये क्या होगा लिक्विफाइड होने के बाद यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों एक्सपांशन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हाई मोमेंटरी स्ट्रेसेस फुल्ड रिजल्ट सम रोटरी टर्बाइन एक्सपांडर एक्सियल फ्लो टाइप हैव डेवलप्ड द टॉलरेंट एज मच 50% लिक्विड वेट विदाउट डैमेज टर्बाइन ब्लेड्स। सो सिंपल है दोस्तों आपको मैं और एक बार अच्छे समझा दोस्तों क्लाउड सिस्टम है। क्लाउड सिस्टम में क्या दिया है कॉम्प्रेसर दिया है हीट एक्सचेंजर दिया है तीन हीट एक्सचेंजर दिया है और एक एक्सपांडर दिया है और जेटी वॉल दिया और यहाँ पे क्या दिया है लिक्विड स्टोरेज के लिए दिया है दोस्तों। सो देखते हैं दोस्तों इसका क्या होगा। सो जो गैस होगा दोस्तों गैस को क्या करेंगे अपन कॉम्प्रेस करेंगे कॉम्प्रेसर में कॉम्प्रेस होने के बाद क्या होगा ये पास होगा दोस्तों फर्स्ट हीट एक्सचेंजर में कॉम्प्रेस होने के बाद क्या होगा जो अनकन्वर्टेड रहेगा वो मेन स्ट्रीम से चला जाएगा वापस फिर से कॉम्प्रेस होने के लिए। फिर ये बाद में पास होगा दोस्तों पास होने के बाद जो होगा दोस्तों सेकंड हीट एक्सचेंजर से क्या होगा ये एक्सपांडर में जाएगा। एक्सपांडर में जाने के बाद क्या होगा फिर बाकी की जो गैसेस रहेंगी वो क्या होंगी सेकंड में जाएंगी। सेकंड में भी जो कुछ नहीं अनकन्वर्टेड होंगी वो फिर एक्सपांडर से जाएंगे। एक्सपांडर से क्या होंगी ये जाएंगी दोस्तों यहाँ पे ये हीट एक्सचेंजर में मतलब ये फिर से होती रहेंगी दोस्तों प्रोसेसिंग। जो फुल प्रोसेस होने के बाद जो जाएंगी दोस्तों फाइनल हीट एक्सचेंजर से क्या होंगी ये पास होने के बाद जो होंगी जेटी वॉल जूल थॉम्सन वॉल बोल सकते हैं इसको या जेटी वॉल बोल सकते हैं ऐसे जाने के बाद ये क्या होंगी कलेक्ट होंगी लिक्विड। सो ये दोस्तों फुल्ली इसका प्रोसीजर। अगर आपको इसमें कुछ डाउट होगा तो मेरे को कमेंट करें दोस्तों। ये फुल्ली सिंपल डायग्राम है दोस्तों आपको इसको सिंपली जो है थोड़ा दिमाग में रखना है दोस्तों और इसका जो डायग्राम का वर्किंग है दोस्तों आप अपने मन से लिख सकते हो दोस्तों पूरा इजी है दोस्तों। और आपको इसकी जो एरोस है दोस्तों ये जो एरोस है अच्छे से आपको देने पड़ेंगे दोस्तों क्योंकि ये एरोस दर्शाते हैं दोस्तों कि प्रोसेस कहाँ से कहाँ फ्लो रही है ये बताती है ये एरोस। सो एरोस का डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन जरूर है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतने दोस्तों हम फिर मिलते हैं और एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ। अब तक गुड बाय सी टेक केयर और कुछ नहीं समझा होगा तो आप मेरे को कमेंट कर दोस्तों।